उनके साथ होते हैं जो हक पे होते हैं। नवाज शरीफ को किसने गोली मारी है, जरदारी को किसने चपेड़े मारी है, उनके साथ होते हैं जो अपनी राइट वे पे होते हैं, जो हक पे होते हैं, वो हमेशा तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। तब्दीली के लिए टाइम चाहिए होता है, हर चीज आप बदल नहीं सकते। हमारी 75 साल से जो मेंटेलिटी है लोगों को, उसको चेंज करने के लिए हमें टाइम चाहिए। और उनका कोई मफाद नहीं, उनके कोई बेटे यहाँ पे डाकू बन के नहीं बैठे हुए, उनको सिर्फ पाकिस्तान के साथ मतलब है, उनको अपनी औलाद का भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुहतरमा, आपका नाम? लाइबा। लाइबा, इस वक्त आप पूरी फैमिली के साथ गाड़ी में क्यों निकले हो? मैं हम सिर्फ इमरान खान के लिए निकले हैं और हमेशा उनके साथ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये जो पब्लिक निकली हुई है, ये तो रैली के लिए निकली है, महंगाई मार्च। नहीं, हम रैली के लिए नहीं निकले, ऑब्वियसली सिर्फ हम इमरान खान के लिए निकले। जिस डायरेक्शन में वो लेके जाएंगे हम जाएंगे, हम सिर्फ उनके लिए निकले और हम हमेशा उनके साथ है। लेकिन 6 महीने पहले PDM ने भी यही रैलियां निकाली थी महंगाई के खिलाफ, और आज आप लोग निकाल रहे हैं, तो फर्क क्या रह गया, पब्लिक को क्या मैसेज? कि जब से पाकिस्तान बना है वो तब से खा रहे हैं। इमरान खान अभी आया, अभी उनको प्रॉपर चैन से नहीं मिला और हुकूमत खत्म कर दी गई है और ये सारे तमाशे किए जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ना जा सके। उसको टाइम तो देते, 5 साल पूरे होने तो देते, फिर देखते कि महंगाई है या पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और हमारी मईशत किस तरफ जा रही है। जिस तरह अभी आपने बात की कि 75 साल से ये लोग मुल्क पर काबिज हैं, इसी तरह 75 साल से कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। कुछ लोगों को, पहले वज़ीर-ए-आज़म को तो गोली मार दी गई, उसके बाद किसी को फांसी दे दी गई, किसी को उतार दिया गया, किसी को जहाज से उड़ा दिया गया, बेनज़ीर को भी गोली मारी गई, खान साहब को फिर गोली मारी गई, सिलसिला तो वही चल रहा है, कोई चीज नहीं तो नहीं है। सिर्फ उनके साथ होता है जो हक पे होते हैं। नवाज शरीफ को किसने गोली मारी है, जरदारी को किसने चपेड़े मारी है, उनके साथ होते हैं जो अपनी राइट वे पे होते हैं, जो हक पे होते हैं, वो हमेशा तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। ये तो आपने देखा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हक पे थे, उन्होंने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने पुराना जो निजाम था ना मक्का का, जहाँ पे उनको सरदारी का ऑफर दी गई कि अगर आप सरदार बनना चाहते हो तो हम आपको पूरा मक्का समेत पूरे अरब का सरदार बनाते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। मदीना में अपना सिस्टम बनाया, अपनी रियासत बनाई, अपना मुआशी सियासी समाजी निजाम बनाया। तो खान साहब भी रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन वो इस तरह से क्यों नहीं कर रहे, वो तो उसी गंदे निजाम के अंदर बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं। खुद ही अभी लॉन्ग मार्च के एंड में भी यही कहा था कि इस गंदे निजाम से हम इस्तीफा देते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी गंदे निजाम में आना चाह रहे हैं। बात सुने ना, तब्दीली के लिए टाइम चाहिए होता है, हर चीज आप बदल नहीं सकते। हमारी 75 साल से जो मेंटेलिटी है लोगों को, उसको चेंज करने के लिए हमें टाइम चाहिए। हम फौरन से मतलब के दूध के धुले नहीं बन सकते, सबके दिमागों में वो चीजें हैं, तो हर चीज टाइम टेकिंग होती है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन खान साहब ने 13 अगस्त को कहा था हकीकी आजादी मार्च जो नेशनल हॉकी स्टेडियम में हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो नजरिया है वो ना तो मेरी जमात में पेनिट्रेट किया है और ना ही पब्लिक में पेनिट्रेट हुआ है, तो अभी इससे फिर एक इख्तलाफ है। मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि दिमाग सही करने में टाइम लगते हैं, मेंटेलिटी चेंज करने में, कौम चेंज करने में, नेशन चेंज करने में टाइम लगता है। 75 साल से हमने जो देखे है, हमने अपने बड़ों से जो देखे, वो ऑब्वियसली आप एकदम तो चेंज नहीं ना कर सकते हैं। पॉजिटिविटी आने में टाइम लगता है, नेगेटिव चीजें फौरन आ जाती है। पॉजिटिविटी आने में टाइम लगता है। आपका क्या ख्याल है कि अब इस अगर इलेक्शन होता है और खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या ये इस निजाम को तब्दील करेंगे जो घोरों का बनाया हुआ है, हमारा तालीमी निजाम, सियासी निजाम, मुआशी निजाम, रेलवे का निजाम, हत्ता के 1973 का जो आईन है उसमें से भी 12-14 लाइनें निकाल दे तो इंडिया 1935 बनता है, क्या खान साहब ये सारी चीजें तब्दील कर देंगे? ऑब्वियसली ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो बेहतरी की तरफ ही लेके जाएंगे पाकिस्तान को। और उनका कोई मफाद नहीं, उनके कोई बेटे यहाँ पे डाकू बन के नहीं बैठे हुए, उनको सिर्फ पाकिस्तान के साथ मतलब है, उनको अपनी औलाद का भी नहीं है कि उनको कुछ मिलेगा इससे, या उन लोगों ने वो सकाफते भी नहीं चलानी है कि हम हैं, फिर हमारे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, वो सिर्फ हक के लिए और वो बस। जी मिस लाइबा, आपका बहुत शुक्रिया। मिस लाइबा कहने था कि खान साहब को और उनकी औलाद को कोई लालच नहीं है, वो इस निजाम को तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी तैयारी है उससे लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर रहम करे, जो लोग हक सच के साथ हैं उनका साथ देना चाहिए। इसका इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।